दूसरा बेटा, ये सामने जहां पे भी आप पढ़ते हो ना, वहां पे ये लिख लिया करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे कितने कितने चैप्टर हो चुके हैं, कितना मैं पढ़ चुका हूं। पहले आप इस बात को समझो। किस बात को समझे सर हम? कि आप लोगों ने बेटा, आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है सर? एक तो बेसिक मैथ्स, दूसरा बेटा ये सामने जहां पे भी आप पढ़ते हो ना, वहां पे ये लिख लिया करो, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे कितने कितने चैप्टर हो चुके हैं, कितना मैं पढ़ चुका हूं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। क्लियर है कि नहीं है? आप एक बात समझो, देखना साइकोलॉजी फर्क बताता हूं, साइकोलॉजिकल फर्क बताता हूं, देखना ये सब लिखने का क्या फायदा होता है। आप लोगों को जब भी आपकी अचीवमेंट्स पता चलती जाती है ना, यार मैंने ये हासिल कर लिया, मैंने ये हासिल कर लिया, तो दैट वर्क्स एज एन मोटिवेशन फॉर यू। इसकी तरह काम करता है बेटा, मोटिवेशन की तरह काम करता है। जैसे आजकल कई सारी घड़ी ऐसी आ गई हैं जिसमें आप कितना कदम चलते हो वो बताती हैं, मतलब हेल्थ वॉचेस रहती हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, यार आज मैंने 1000 स्टेप्स चल लिए, आज मैंने 2000 स्टेप्स चल लिए। तो दीज आर व्हाट अचीवमेंट्स दैट मोटिवेट्स यू कि यार आज 2000 नहीं चला तो दिक्कत है। इसी तरीके से आप लोग देखोगे कि लोग बाग ट्रेडमिल वगैरह पे दौड़ने जाते हैं, तो ट्रेडमिल में दिखाते हैं आपने 1 किलोमीटर की रनिंग कर ली, 2 किलोमीटर की रनिंग कर ली, दैट इज व्हाट बेटा अचीवमेंट। तो मैं मेंटली ये लगता है कि नहीं यार हम खाली नहीं बैठे, हम बहुत कुछ कर रहे हैं और वो सामने दिखता है। आप इस बात को समझो। आप उसी तरीके से बेटा ये जो भी चैप्टर आप करते जा रहे हो वो आप लिखो। जैसे मेरी, मैं एक छोटी सी आदत बता रहा हूं, जब मैं अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे मेरी आदत ये छोटी सी थी, दैट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है आप क्या क्या कर सकते हो। मैं क्या करता था कि मैं जिस भी पेन से लिखता था मुझे ये पेन कॉपी इसका बड़ा शौक होता था। जैसे मान लो कोई नया चैप्टर स्टार्ट हुआ तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के यूनिट एंड डायमेंशन तक एक रजिस्टर रहने देना। और जैसे ही आज यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो रहा है, कम से कम बेटा यूनिट एंड डायमेंशन के खत्म होते ही कम से कम मैं बता रहा हूं आपको 10 पेजेस छोड़ने हैं, 10 पेज छोड़ने हैं आपको। कोई भी चैप्टर खत्म होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी चैप्टर आपका खत्म होता है आपको कितने पेज छोड़ने बेटा? 10 पेज छोड़ने। ये इसलिए छोड़ने, कभी किसी टेस्ट में आपको बहुत बढ़िया कोई सवाल मिल गया, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज मिल गई जो आपको इसके पीछे लिखनी है, वो सारे टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा थोड़ी है बेटा कि कोई भी चैप्टर अब खत्म हो गया तो जिंदगी में उठाएंगे ही नहीं कि भैया आप कलम लिख दी है, ये कोई जज साहब का ऑर्डर थोड़ी है कि लिखने के बाद पेन तोड़ दिया तो अब लिखा नहीं जाएगा। तो ये टेस्ट में कोई बढ़िया सवाल मिल गया कि नहीं यार ये रिविजन के टाइम पे होना चाहिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, तो ये आप अपने चैप्टर के बाद इतनी चीजें छोड़ोगे।